हरे कृष्ण। तो अब तक हम लोगों ने गुरु महाराज के साथ श्रील प्रभुपाद जी की कुछ पास टाइम्स देखे कि किस प्रकार से गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद से मिले, कृपा से गुरु महाराज की दीक्षा हुए और गुरु महाराज को श्रील प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में प्रचार करने का आदेश प्रदान किया। और इस पूरे प्रचार कार्य में गुरु माँ ने गुरु महाराज का किया। तो गुरु महाराज कई जगह सेवा किए, बेसिकली टोरंटो में, शिकागो में, वैंकूवर में। इस प्रकार से गुरु महाराज ने अलग अलग जगहों पे, ये जो न्यू वृंदावन है, न्यू वृंदावन जो श्रील प्रभुपाद जी ने निर्माण किया वेस्ट वर्जीनिया में, वहाँ पे भी गुरु महाराज ने खूब सेवा करी है ना। जहाँ पे -डिग्री टेम्परेचर होता है तो गुरु महाराज ने वहाँ पे भी खूब सेवा करी। और ये जो वेस्ट वर्जीनिया का जो गोल्डन टेम्पल कहलाता है, जो वहाँ पे सबसे सुंदर, विश्व के सबसे सुंदर इस्कॉन मंदिर में जिसकी काउंटिंग करी जाती है, क्योंकि तो गुरु महाराज सिविल इंजीनियर थे। तो जब वेस्ट वर्जीनिया का ये इस्कॉन टेम्पल जब बनना बन रहा था, तो उसकी आर्किटेक्चर में गुरु महाराज ने भी काफी कंट्रीब्यूशन दिया। और वैंकूवर का भी जब टेम्पल बन रहा था, तो वैंकूवर टेम्पल के भी जो आर्किटेक्चर है उसमें भी गुरु महाराज ने काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन किया। तो इस प्रकार से गुरु महाराज ने वेस्टर्न वर्ल्ड वहाँ पे काफी प्रचार किया। और 1987 में गुरु महाराज इस्कॉन वैंकूवर के प्रेसिडेंट बने, इस्कॉन वैंकूवर के प्रेसिडेंट बने। वहाँ पे गुरु महाराज रहे और गुरु महाराज वहाँ पे जो बस पार्टी होते थे, बस पार्टी, बस पूरी पूरी बस भक्तों से भर के श्रील प्रभुपाद के बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते थे, तो उस बस पार्टी में भी गुरु महाराज ने भाग लिया। और इस प्रकार से गुरु महाराज ने काफी प्रचार किए। तो जब गुरु महाराज वहाँ पे 1993 तक गुरु महाराज वहाँ पे रहे, और उसके बाद 1993 में गुरु महाराज इंडिया आए, भारत आए। और 1993 में गुरु महाराज गुजरात गए, गुजरात गुरु महाराज का बर्थ प्लेस भी था। गुरु महाराज ने गुजरात में प्रचार करना शुरू किया। और गुजरात में गुरु महाराज, क्योंकि वहाँ पे बहुत विलेज एरिया है था गुरु, तो गुजरात के विलेज एरिया में, गांव के एरिया में, गांव गांव बैलगाड़ी से जाके बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, कीर्तन करना, लोगों को गाँव में जा जाके, बिल्कुल अंदर अंदर गाँव में जा जाके बैलगाड़ी से, तो पद यात्रा पैदल चल के बैलगाड़ी से जाके, इस प्रकार से गुरु महाराज ने गाँव गाँव में जाके प्रचार किया। श्रील प्रभुपाद के बुक्स बांटे। उस समय प्लेग फैला हुआ था, प्लेग फैला हुआ था बहुत तेजी के साथ, और कई लोग प्लेग के चपेट में आके मर भी रहे थे। गुजरात में भी बहुत तेजी के साथ प्लेग फैला हुआ था, बट प्लेग का चिंता न करते हुए गुरु महाराज ने प्रचार किया, गुरु महाराज ने प्रचार किया। और उसके बाद फिर इंडिया के अलग अलग भागों में भी गुरु महाराज ने प्रचार किए। और 1997, 5 साल तक इस प्रकार गुरु महाराज ने अलग अलग जगहों पर प्रचार किए। 1997 में गुरु महाराज इस्कॉन दिल्ली के, जो ईस्ट ऑफ कैलाश टेम्पल है, तो इसको ईस्ट ऑफ कैलाश टेम्पल के प्रेसिडेंट बने। 1997 से 2002 तक, 2002 तक गुरु महाराज ईस्ट ऑफ कैलाश दिल्ली टेम्पल के प्रेसिडेंट रहे। और दिल्ली को आप इस्कॉन ईस्ट ऑफ कैलाश टेम्पल में आएंगे जब भी, तो आप देखेंगे कि टेम्पल में गरुड़ स्तंभ के पास 108 108 छोटे छोटे लोटस बने हैं, वो गुरु महाराज ने निर्माण कराए थे। तो उस लोटस का क्या मतलब होता है कि उस पे खड़े होके सारे भक्त लोग एक एक माला जप करेंगे, एक एक माला जप, एक एक राउंड जप, एक एक मंत्र, एक एक महामंत्र जप करेंगे। तो ऐसे 108 लोटस पे जब चलेंगे, तो उस जैसे ही लोटस पूरा होगा, तो विजिटर्स का जो भी टेम्पल में जो यात्रा करते हैं, विजिट करते हैं, उन लोगों की एक माला
हरे कृष्ण महामंत्र की पूरी हो जाएगी। तो ये गुरु महाराज ने स्टार्ट करा यहाँ पे इस्कॉन दिल्ली उसका कैलाश टेम्पल में। उसके बाद 2000 जब गुरु महाराज टेम्पल प्रेसिडेंट ही थे ना, तो जो गुरु महाराज यहाँ पे नंबर प्रेसिडेंट थे, उसी समय गुरु महाराज को हार्ट अटैक आए थे। और गुरु महाराज के साथ नहीं थी उस समय। गुरु महाराज उसमें एक्चुअली गुजरात में थी और गुरु महाराज दिल्ली टेम्पल में सेवा कर रहे थे, तो उसी समय गुरु महाराज को हार्ट अटैक आए थे। बट कृष्णा ने उनको सेव किया, कृष्णा ने बचाया। और 2002 में 2002 में गुरु महाराज गुरु बने। 2002 में उनको ऑफिशियली जीबीसी के द्वारा गुरु पद के लिए वो गुरु महाराज को अपॉइंट किया गया कि आप अभी दीक्षा गुरु बन के और आप पूरे विश्व में प्रचार कर सकते हैं और दीक्षा आप दे सकते हैं। तो और साथ में गुरु महाराज एंड गुरु माँ, ये दोनों आपको गुरु का पद दिया गया, गुरु महाराज एंड गुरु माँ। और इस प्रकार से गुरु महाराज गुरु माँ पूरे अभी विश्व में भ्रमण करते हैं, पूरी दुनिया में भ्रमण करते हैं। और पूरे विश्व में भ्रमण करके वह चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाओं का, शील प्रपात के जो टीचिंग्स है, शील प्रपात का जो विचार करने का आदेश है, वो पूरे विश्व में गुरु महाराज घूम घूम के प्रचार कर रहे हैं। इंडिया में, अमेरिका में, ब्रिटेन, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अरब, तो सारे कंट्रीज में गुरु महाराज जाते हैं और फ्रिक्वेंटली विजिट करते हैं और प्रचार करते हैं। और गुरु महाराज ने बहुत सारे बुक्स भी लिखे हैं। गुरु महाराज के मोर देन 25 बुक्स है और कई सारी बुक्स अभी लाइन में है ना। और गुरु महाराज बुक्स कंटिन्यू लिख रहे हैं। और जिस तरह शिल प्रपात दिन में प्रचार करते थे, अपने शिष्यों से मिलते थे और शिष्य लोगों से कम्युनिकेशन करते थे और रात्रि में जाग जाग के शिल पर बुक्स लिखते थे, तो उसी तरह से गुरु महाराज भी दिन में प्रचार करते हैं, शिष्य लोगों से, भक्त लोगों से मिलते हैं, उनसे कम्युनिकेशन करते हैं और रात्रि में जाग जाग के गुरु महाराज बुक्स की रचना भी कर रहे हैं। सुंदर सुंदर गुरु महाराज ने बुक्स दी हैं और बहुत डिपेंड डिपेंड काफी काफी गहराइयों में, बहुत गहराइयों में, बहुत ही ज्यादा डिपेंड डिपेंड है ना। हम लोगों को गुरु महाराज की कृपा से बुक्स को पढ़ने का, समझने का, गुह्यतम शास्त्र जो हमारे गोस्वामियों के लिटरेचर होते थे, नवन के, षड गोस्वामियों के और पूर्ववर्ती आचार्यों के, उन सारे लिटरेचर का क्रक्स गुरु महाराज ने हम सबको अपने पुस्तकों के माध्यम से दे रहे हैं। तो हमारे गुरु महाराज के अंदर खास बात क्या है, सबसे बड़ी खास बात है कि गुरु महाराज बहुत सिंपल है। ही इज वेरी वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। गुरु के पद पे होते हुए भी बहुत सिंपल है। सिंपल लाइक चाइल्ड, बच्चे की तरह इनोसेंट है, बिल्कुल बच्चे की तरह मासूम, इनोसेंट। और गुरु पद का कोई अभिमान भी नहीं है कि मैं गुरु हूँ और बहुत बड़ा मुझे सम्मान प्रदान करिए, कुछ इस प्रकार का अभिमान है ही नहीं। मतलब ठीक है, हम ऐसा नहीं कहते कि गुरु में अभिमान होते हैं, बट ठीक है, गुरु भी अपने एक पोस्ट को प्रकार से मैनेज करते हैं। मतलब एक गुरु हूँ, गुरु हूँ, तो सब उनके बिल्कुल निकट नहीं जा सकते, बहुत आसानी से उनसे मिल नहीं सकते, बहुत सारे लोगों से घिरे रहते हैं, बहुत सारे सेक्रेटरी, बहुत सारे कई कई, मतलब इतना आसानी से मिलनसार स्वभाव नहीं होता। लेकिन गुरु महाराज बहुत सिंपल है। और इस्कॉन में गुरु महाराज दो चीज़ के लिए बहुत फेमस है, अपने सिंप्लिसिटी और अपने हम्बलनेस के लिए। तो एक बार हिज होलीनेस राधा गोविंद महाराज, वो अपनी कथा कर रहा, राधा गोविंद महाराज बहुत फेमस है इस्कॉन में भागवत कथा करने के लिए। अभी तो राधा गोविंद महाराज काफी बूढ़े हो गए और काफी बीमार भी रहते हैं, और
उनने अभी दीक्षा देना भी बंद कर दिया है, अभी वो दीक्षा नहीं देते हैं क्योंकि वो इतना बूढ़े हैं, इतना बीमार है। तो वो अभी बोले कि मैं नया नया शिष्य स्वीकार करूंगा, तो मैं शिष्य लोगों पे वन टू वन ध्यान नहीं दे पाऊंगा, वन टू वन ध्यान नहीं दे पाऊंगा। तो इससे अच्छा है कि वो जो भक्त लोग हैं वह ऐसे गुरु को अपनाएं जो उनका थोड़ा देखभाल कर पाए। तो इसलिए वो राधागोविंद महाराज इस समय दीक्षा प्रदान नहीं कर रहे हैं, इस समय को वृंदावन में स्थित हैं। और पहले जब राधागोविंद महाराज बहुत एक्टिव थे और उनका स्वास्थ्य अच्छा था, तो बहुत सुंदर कथा करते थे भागवतम की। और इस भागवत के आचार्य कहे जाते हैं राधागोविंद महाराज, बहुत सुंदर भागवत कथा कहते हैं। भागवत के मर्म को जानते हो, मर्मज्ञ है, भागवत को बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने पढ़ा है और जिया है। तो उन राधा गोविंद महाराज एक बार अपने कथा में कह रहे थे कि अगर आपको इस्कॉन के अंदर विनम्रता सीखनी है, अगर आपको सरलता सीखनी है, तो आप क्रतु महाराज के पास जाके उनसे सीखिए। सबसे विनम्र और सबसे सरल भक्त हैं वह, सबसे विनम्र और सबसे सरल गुरु होते हुए भी वह सबसे सरल और सबसे विनम्र है, सबसे विनम्र है। तो बहुत सुंदर उन्होंने सभी उनके उसमें ये हरिद्वार में उनकी कथा चल रही थी और उनके पंडाल में करीब 10,000 लोग बैठ के, ज्यादा ही होंगे, सब कथा सुन रहे थे। तो उन सब के बीच में राधा गोविंद महाराज ने इस प्रकार से बोले थे कि अगर आपको विनम्रता सीखनी है और आपको सरलता सीखनी है, तो आप क्रतु महाराज जी से सीखिए। वो गुरु होते हुए भी बहुत सरल और बहुत ही विनम्र है, बहुत ही विनम्र है, बहुत ही विनम्र है। और इस प्रकार से इस्कॉन के बहुत सारे गुरुओं के साथ गुरु महाराज का बहुत सुंदर घनिष्ठ संबंध, अच्छा मैत्री संबंध रहा है। श्रील प्रभुपाद के जो बहुत खास थे सेक्रेटरी, श्रील प्रभुपाद का जब कोई भी बड़ा काम फंस जाता था और श्रील प्रभुपाद को जब हेल्प लेना होता था, जब कुछ इम्पॉसिबल टास्क देना होता, तो श्रील प्रभुपाद हमेशा तमाल कृष्ण महाराज, हिज होलीनेस तमाल कृष्ण महाराज को याद करते थे। जब भी कुछ काम फंसता तो तमाल कृष्ण महाराज को बोलते थे। तो तमाल कृष्ण महाराज बहुत जल्दी ही संसार से चले गए थे, काफ़ी जल्दी चले गए थे। वो मायापुर में वो एक ट्यूशन प्रोग्राम के जा रहे थे, उनका एक एक्सीडेंट हो गया था, काफ़ी पहले चले गए थे भगवान के धाम। तो वो तमाल कृष्ण महाराज और हमारे गुरु महाराज, इनका बहुत ही सुंदर ट्यूनिंग था, बहुत सुंदर ट्यूनिंग। इवन गुरु महाराज, हमारी गुरु माँ को भी तमाल कृष्ण महाराज बहुत पसंद करते थे। और गुरु माँ बहुत सुंदर प्रसाद बनाती थी, तो तमाल कृष्ण महाराज गुरु माँ का बनाया हुआ प्रसाद वो खाने, गुरु माँ बहुत अच्छा पिज्जा कुक करती थी। तो तमाल कृष्ण महाराज स्पेशली गुरु माँ को बोलते थे कि मुझे तो अमृता केली के हाथों का पिज्जा खाना है। तो सन्यासी थे तो गुरु माँ उनके लिए पिज्जा बनाती थी और गुरु माँ का हाथों का पिज्जा उनको बहुत पसंद था। तो और गुरु माँ से अपने पर्सनल बातें भी, काफ़ी पर्सनल बातें भी तमाल कृष्ण महाराज शेयर किया करते थे। एक बार तमाल कृष्ण महाराज ने बोला कि मैं चाहूँ तो पूरे संसार को महज एक हफ्ते में भक्त बना सकता हूँ, एक हफ्ता चाहिए बस मुझे, एक हफ्ते में पूरे संसार को भक्त बना दूँ, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं होता। मेरा पूरा समय शिष्य लोग में बहुत बर्बाद कर देते हैं, वो अपनी इतनी सारी पर्सनल प्रॉब्लम लेके आते हैं, उनके पर्सनल प्रॉब्लम सुलझाते सुलझाते मेरा बहुत समय चला जाता है, नहीं तो मैं पूरे संसार को एक हफ्ते में भक्त बना सकता हूँ। तो सुंदर स्टेटमेंट तमाल कृष्ण महाराज गुरु महाराज और गुरु माँ को एक बार दिए थे, बता रहे थे। तो और हमारे लोकनाथ स्वामी महाराज, लोकनाथ स्वामी महाराज एक बार गुरु महाराज की व्यास पूजा में बोल रहे थे, ग्लोरिफिकेशन में बोल रहे थे कि आप सब लोग, जो भी लोग गुरु महाराज से दीक्षित है, वो लोग भाग्यशाली है, और इसलिए भी भाग्यशाली है कि इस्कॉन में जब कोई भक्त किसी सन्यासी से दीक्षा लेता है, तो उसको केवल एक गुरु मिलते हैं, उसको केवल सन्यासी गुरु मिलते हैं, सुबह सन्यासी गुरु मिलते हैं। लेकिन आप सब भाग्यशाली हो कि आपको गुरु महाराज के साथ गुरु माँ भी फ्री में मिल रही हैं। तो आप सबका बहुत बड़ा भाग्य है, आप सब एक गुरु का नहीं बल्कि
दो दो गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त कर पा रहे हो। तो हिजोरी ने लोकनाथ स्वामी महाराज ये सुंदर ग्लोरिफिकेशन कर रहे थे महाराज का, और ही इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ गुरुमा। गुरु महाराज के बहुत अच्छे और घनिष्ठ मित्र है हिजोरी ने लोकनाथ स्वामी महाराज। और बाकी हिजोरी ने भक्ति चारू स्वामी महाराज, वही भगवत धाम चले गए, तो वह भक्ति चारू महाराज भी, वो भी गुरु महाराज के काफी अच्छे गुड फ्रेंड, यू आर वेरी गुड फ्रेंड ऑफ गुरु महाराज। इज ऑलिनेस गोपाल कृष्ण महाराज, वो भी बहुत अच्छे गुरु महाराज के गुड फ्रेंड थे, बहुत अच्छे मित्र थे। और इस प्रकार से काफी काफी सारे इस्कॉन के भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज, वो भी चले गए महाराज, भक्ति तीर्थ महाराज, उनके साथ ही बहुत अच्छी घनिष्ठ मित्रता थी। यमुना देवी दासी माता जी, वो गुरु माँ की बहुत अच्छी फ्रेंड थी। तो इस प्रकार से हिजोली ने गिरिराज स्वामी महाराज, और हिजोली ने जयपताका स्वामी महाराज, वो तो गुरु महाराज को बिल्कुल अपना बिल्कुल लविंग ब्रदर जैसा होता है ना, वैसा वाला बहुत घनिष्ठ संबंध है। जब भी तो लोग जयपताका महाराज का इस प्रकार का शरीर, लेकिन जब गुरु महा जब जयपताका स्वामी महाराज जब स्वस्थ थे, जब वो वृंदावन जब भी आते थे, गुरु महाराज के वृंदावन में होते थे, तो फिर गुरु महाराज को फोन करते और गुरु महाराज को बुलाते कि चलो हम लोग ब्रज मंडल परिक्रमा करके आते हैं। और गुरु महाराज के कंधे पे बिल्कुल हाथ डाल के, जैसे दो बिल्कुल भाई चलते हैं या फिर दो बिल्कुल क्लोज फ्रेंड चलते हैं, उसी प्रकार से जयपताका स्वामी महाराज वो गुरु महाराज के कंधे पे बिल्कुल ऐसे हाथ डाल के और वो गुरु महाराज के साथ ब्रज की परिक्रमा करते थे। और अभी भी जब भी गुरु महाराज जब जयपताका स्वामी महाराज से पास जाते हैं, उनसे मिलते हैं, तो अभी भी वो सुंदर सा हग करते हैं। बहुत इतना इस प्रकार की ऐसी अवस्था भी है, तो गुरु महाराज को पूरा हग करते हैं अच्छे से, जयपताका स्वामी महाराज गुड हग, और गुरु माँ उनको भी अच्छे से मीट मीटअप करते हैं। तो सभी गुरु प्रभुपाद के जो शिष्य है, प्रभुपाद जी ने बोला था आप जाने से पहले कि तुम सब लोग मेरे जाने के बाद, तुम सारे मेरे शिष्य लोग आपस आपस में कितना प्रेम से रहते हो, कितना आपस में सहयोग करते हो, वो तब मैं समझूंगा कि तुम सब मेरे से प्रेम करते हो। तो प्रभुपाद जी का आदेश था कि उनके जाने के बाद उनकी जो संस्था है, जो इस्कॉन है, वो टूटे नहीं। गौड़ी मठ तो लड़ झगड़ के सब बिखर गया, टूट गया सब कुछ। बड़ा मंदिर मुझे चाहिए, बड़ा पोश मुझे चाहिए, बड़ा कमरा मुझे चाहिए, विंडो वाला कमरा मुझे चाहिए। तो इसी सब में लड़, अमीर वाला मंदिर जिसमें ज्यादा धनी मंदिर है वो मुझे चाहिए, तो इसी सब में लड़ झगड़ के गौड़ी मठ तो चल नहीं पाया, सब खराब हो गया। जबकि पूरे भारत में भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज इतने महान गुरु हैं, उन्हें 64 गौड़ी मठ की स्थापना करी थी, लेकिन सब खराब हो गया, कोई मंदिर सक्सेसफुल हो नहीं पाया, और न ही गौड़ी मठ के कोई भक्त लोगों ने विश्वव्यापी प्रचार किया। वो तो श्रील प्रभुपाद अपने एकनिष्ठ अपने गुरु के भक्त थे, तो उन्होंने प्रचार किया, अदरवाइज गौड़ी मठ का प्रचार कोई सफल रहा नहीं। इसलिए प्रभुपाद जी ने गौड़ी मठ से अलग संस्था इस्कॉन को बनाया, और इस्कॉन ना टूटे, इस्कॉन ना बर्बाद हो, इस्कॉन के लोग आपस में लड़ भिड़ के मर ना जाए, पॉलिटिक्स ना हो, इसके लिए श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि सारे उनके शिष्य मिलजुल के रहे। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है ना, विचारधारा लोगों की अलग अलग हो सकती है, लेकिन फिर भी यूनिटी इन डाइवर्सिटी होना चाहिए, है ना। यूनिटी इन डाइवर्सिटी प्रभुपाद चाहते थे, है ना, कि आप लोग की विचारधारा अलग अलग हो सकती है, लेकिन आप लोग सब लोग यूनाइट होके कृष्णा और चैतन्य महाप्रभु का मिशन आगे बढ़ाओ, पूरा करो, और आप लोग आपस में लड़ भिड़ के सब कुछ खत्म मत कर दो, स्पॉइल मत करो, अपने निजी स्वार्थ के लिए कृष्णा और चैतन्य महाप्रभु और गुरु का मिशन खराब मत करो, तो प्रभुपाद जी की इच्छा थी। तो प्रभुपाद जी के सभी शिष्य लोगों ने काफी अच्छे से इस चीज को पूरा किया, और उन लोगों ने प्रभुपाद तो 1977 में चले गए थे, और तब सारे शिष्य लोग जवान थे, बिल्कुल यंग थे, अराउंड 20 से 25 साल की उम्र में थे सारे। और अब प्रभुपाद 1977 से अब 2024 हो गए, कितने साल बीत गए, अप्रोक्स
50 साल के करीब बीत गए प्रभुपाद जी के गए हुए। तो अब भी प्रभुपाद जी के शिष्य लोगों ने कितना सुंदर तरीके से प्रभुपाद जी के जाने के बाद भी इस्कॉन को मेंटेन किया, इस्कॉन को चलाया, आगे बढ़ाया, और इस्कॉन फल फूल रही, आगे भी फलती फूलती रहेगी। इस्कॉन को कोई तोड़ नहीं सकता। इस्कॉन कृष्ण का निज परिवार है, कृष्ण का खुद का इस्कॉन फैमिली है। इस्कॉन टूटेगा तो इस्कॉन अंदर से टूटेगा, इस्कॉन कोई बाहर वाला नहीं तोड़ पाएगा। इस्कॉन में अंदर अंदर ही भक्त जब आपस आपस में लड़ जाएंगे और बिखर जाएंगे तो अंदर अंदर से इस्कॉन टूटेगा। इस्कॉन को कोई बाहरी व्यक्ति कभी नहीं तोड़ पाएगा क्योंकि वो कृष्ण की शक्ति इस्कॉन में लगी हुई है। तो लेकिन आगे आने वाले 10,000 सालों तक फिर भी इस्कॉन का भविष्य काफी सिक्योर है। 10,000 सालों तक इस्कॉन फिर भी चलेगा, फलेगा, फूलेगा, आगे बढ़ेगा। और 10,000 सालों के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। 10,000 सालों के बाद इस्कॉन भी नहीं रहेगा, गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत ग्रंथ नहीं रहेगा, वैष्णव भक्त ने वृंदावन धाम, मायापुर धाम, जगन्नाथपुरी धाम और पवित्र नदियाँ सब कुछ अपने आप को ढक लेंगी, छिपा लेंगी, विलुप्त हो जाएंगे यहाँ से। तो 10,000 सालों तक जो लोग भाग्यवान जीव हैं वो लोग भक्ति कर लेंगे, और 10,000 सालों के बाद जो फॉल करेंगे किसी कारण से वो फिर गहन कलयुग के अंधकार में प्रवेश कर जाएंगे। और फिर अभी कलयुग की उम्र काफी लंबी है, जिसमें से अभी केवल अप्रोक्स 5,000 साल ही बीते हैं और 4,32,000 साल कलयुग की उम्र है। उसमें से 5,000 घटा देंगे तो 4,27,000 साल अभी कलयुग की और है, जिसमें 10,000 साल इस्कॉन की है। तो 4,27,000 में से 10 घटा दीजिए तो 4,17,000 साल कलयुग का लंबा उम्र चलेगा। तो जो लोग इस कलयुग में फॉल करेंगे वो भयानक दुख को पाएंगे, उनके आध्यात्मिक प्रगति का सारा चांस वो खो देंगे। और फिर लास्ट तक जो भगवान कल्कि आएंगे, और भगवान कल्कि पूरे लोगों का वध कर रहे होंगे, केवल उनको कोई उनका कोई कल्याण नहीं कर रहे होंगे। फाइनली भगवान वध करके बस युग को नष्ट करेंगे भगवान, और दोबारा से नया सतयुग का आरंभ होगा। तो हम लोग भाग्यवान जीव हैं, भाग्यवान जन है हम सब, ये हम सबको यहाँ पर सुंदर इस्कॉन संस्था मिल गई, सुंदर शील प्रभुपाद मिल गए, और शील प्रभुपाद के प्रामाणिक शिष्य गुरु के रूप में मिल गए। और अभी भी जो समय है ना, बहुत क्रुशियल टाइम चल रहा है, बहुत क्रुशियल टाइम। शील प्रभुपाद के सारे, ऐसा नहीं कि हमारे पास बहुत लंबा समय है, हमारे पास बहुत ज्यादा समय नहीं है। शील प्रभुपाद के कई सारे शिष्य जा चुके हैं, है ना, और जो अभी गुरु लोग थोड़े बहुत गिने चुने गुरु जो अभी शील प्रभुपाद के डायरेक्ट शिष्य जो बचे हुए हैं ना, इनके पास ही बहुत ज्यादा समय नहीं है, बहुत ज्यादा समय नहीं है। हार्डली 2 से 3 साल इनके पास समय है, मोटा मोटा बोलेंगे तो बहुत ज्यादा। कृष्ण कृपा करे तो इनको 2 से 3 साल, और बहुत कृष्णा और कृपा करे तो 5 साल रखे, तो बहुत ज्यादा समय इन लोग के पास है नहीं। 2 से 3 साल भी अगर शील बात के शिष्य लोग रह पाए तो कृष्ण की बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है। तो लेस टाइम, हम सब सबके पास बहुत लेस कम समय है। तो जो लोग दीक्षित हो गए हैं उन तो सौभाग्यशाली है, और जो लोग दीक्षा नहीं लिए हैं तो उन सबको तीव्रता होना चाहिए कि शीघ्र अति शीघ्र उनका दीक्षा हो जाए और वो शील प्रपात के शिष्य के चरणाश्रित हो जाए। क्योंकि अगर प्रपात के शिष्य धरती से चले गए सारे ना, तो फिर बहुत हानि हो जाएगी, बहुत बड़ा लॉस। एक एक भक्त का जाना इस संसार से, प्रभात के शिष्यों का, बहुत बड़ा लॉस है इस पूरे अर्थ के लिए, पूरे पृथ्वी लोक के लिए बहुत बड़ा लॉस है। तो समय बहुत कम है हमारे पास, और ये सच में डरने की बात है, बहुत गंभीर विषय है, और हमको बिल्कुल भी देरी नहीं लगाना चाहिए, तो तीव्रता होनी चाहिए कि शीघ्र अति शीघ्र हम दीक्षित भक्त बन जाए। शीघ्र ये मौका हम खो न दे, ये मौका हम खो न दे, ये मौका हम खो न दे। और हमारे गुरु महाराज उनके भी एज काफी हो गई है, 80 क्रॉस हो गई है ना, गुरु महाराज 80 क्रॉस कर चुके हैं। और गुरु महाराज बोलते भी हैं, प्रभुपाद बोला करते थे, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, और मैं कभी भी जा सकता हूँ। आप सब जवान लड़के लड़कियाँ हो, आप सब को इस्कॉन चलाना है आगे, है ना, और आप सबको मैं जिम्मेदारी देके जा रहा हूँ।
वैसे गुरु महाराज जी बोलते हैं कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, आई डोंट हैव मच टाइम, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। श्री गुरु महाराज कहते हैं मेरे गुरु श्री गोपाल वो 82 ईयर्स के में चले गए थे, हम लोग भी आस पास ही चले जाएंगे, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, ज्यादा समय नहीं। तो गुरु महाराज कई बार बोलते हैं, कई बार मतलब पब्लिकली गुरु महाराज ने बोले हैं कि वी डोंट हैव मच टाइम, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। तो हम लोग को भक्ति में गंभीर बनना चाहिए और दीक्षित हैं तीव्रता से भक्ति करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए, और जिसकी दीक्षा नहीं हुई है उसको दीक्षा लेने के लिए बहुत तीव्रता होनी चाहिए। इस बार वो मौका न चूकने पाए, इस बार मौका न चूकने पाए, जल्द से जल्द हमारी दीक्षा हो जाए और हम गुरु के चरण आश्रित हो जाए और इस सुंदर गुरु परंपरा जुड़ जाए। शिल प्रपात के शिष्य की दीक्षा लेना बहुत बड़ा सौभाग्य है, बहुत बड़ा। ये सौभाग्य हम मिस कर देंगे तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे पास सामने सब कुछ सेटिंग था और हम मिस कर दिए, तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य हो गया। तो हमको बिल्कुल भी देर नहीं लगाना चाहिए और जो भी लोग हमारे संपर्क में है ना, हमें उनको जल्दी से भक्ति करने के लिए तीव्र आगो उत्साह देना चाहिए कि जल्द से जल्द आप 16 माला पे आइए। आपको 8 4 माला 8 माला 12 माला नहीं जपना, जल्द से जल्द आप 16 माला पे 4 नियम का पालन कीजिए, जल्द से जल्द आप गुरु चरण आश्रित होइए और जल्द से जल्द आप इस ब्रह्म गौड़ी मध्वा संप्रदाय इस इस्कॉन में शिल प्रपात के शिष्य लोगों से दीक्षित हो जाइए और आपका ये मनुष्य जीवन सफल बनाइए, ये मनुष्य जीवन सफल बनाइए, ये मनुष्य जीवन सफल बनाइए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गौर भक्त वृंद की जय। तो वो प्रश्न